गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो क्लास 5 के स्टूडेंट्स के लिए है। बेटा, पिछले कल की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर नंबर 18 करवाया था, वोकैबुलरी, वो पेज नंबर 88 तक करवाया था। अब है 89, एक्सरसाइज एप है उसकी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। चूज द मोस्ट सुटेबल वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। नंबर 1, वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, द आंसर इज पोर्टेबल। नंबर 2, वन हु ईट्स टू मच, ग्लूटन। नंबर 3, वन हु लव्स बुक्स, बिब्लियोफाइल। नंबर 4, अ बुक विद ब्लैंक पेजेस ऑन विच पिक्चर्स और पेपर कटिंग आर स्टक, स्क्रैप बुक। नंबर 5, एन एनिमल डैट इज़ क्रूअल एंड डेंजरस, ऐसे जानवर जो बहुत ज़्यादा क्रूअल और डेंजरस होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बीस्ट। नंबर 6, अ पर्सन हु इज़ स्लो टू लर्न, ऐसे व्यक्ति जो लर्निंग करने में स्लो होते हैं उन्हें हम कहते हैं डंस। नंबर 7, अ पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट स्पेंडिंग, ऐसे लोग जो पैसे से बहुत प्यार करते हैं और उनको खर्च नहीं करना चाहते उसे कहते हैं मिजर, यानी कि कंजूस। नंबर 8, अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, क्या बोलते हैं उसे, पोइट। नंबर 9, अ मार्क रिमेनिंग ऑन द स्किन फ्रॉम अ वूंड, घाव होने के बाद जो मार्क या निशान बन जाता है स्किन पर उसे हम क्या कहते हैं, स्कार। नंबर 10, वन हु सेल्स टी शुगर सोप एक्सेट्रा, उन्हें उसे वो कौन बेचता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रॉसर। अब है वर्ड्स ऑफन कन्फ्यूज्ड, ऐसे वर्ड्स जो कन्फ्यूज़ करते हैं उन्हें कहते हैं होमोफोन्स, यानी कि होमोफोन्स क्या होते हैं बेटा, ऐसे वर्ड्स जिनकी प्रोनंसिएशन तो सेम होती है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ एट, EIGST, इसका मतलब होता है जो इंग्लिश मैथ्स का एक लेटर है, एट डिजिट है एट, और एट ATE मतलब जिसका मतलब होता है खाना, खाने को खाना। तो ये दोनों प्रोनंसिएशन तो सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों की डिफरेंट है। इसी तरह से यहाँ पर आपको बहुत सारे होमोफोन्स दिए गए हैं पेज नंबर 90 पर, तो ये आपको घर पे अच्छे से लर्न करने हैं, अच्छे से इनको रीड करना है। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 91, एक्सरसाइज जी, सिलेक्ट द राइट वर्ड्स फ्रॉम एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको फिल इन द ब्लैंक दिए गए हैं, इनमें ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं यानी कि होमोफोन्स हैं ये, तो करेक्ट वर्ड आपको इसमें फिल करना है। नंबर 1, द स्काई इज़ डैश इन कलर, अब आसमान किस कलर का होता है, ब्लू, BLUE, अब दोनों की प्रोनंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। नंबर 2, वेरी फ्यू पीपल डाई ऑफ कैंसर नाउ। नंबर 3, इट नीड्स ग्रेट करेज टू स्टिक टू द राइट। नंबर 4, द कैटल इज फुल ऑफ हॉट टी। नंबर 5, हिंदूज बिलीव इन आइडल, IDOL, वर्शिप। नंबर 6, ही लॉस्ट हिज वे, WAY, इन द जू। नंबर 7, रूट, ROT, होल्ड्स द प्लांट फर्मली इन द सॉइल। नंबर 8, कीप अवे ऑफ बैड, BAD, बैड कंपनी। नंबर 9, शी बॉट दिस ड्रेस एट अ सेल, SALE। नंबर 10, द मेल, MAIL, हैज़ बीन क्लियर्ड ऑन टाइम। नंबर 11, डीप वूंड्स टेक लॉन्गर टू हील, HEAL। नंबर 12, ही हैज़ बिकम वीक, WEAK, ड्यू टू हिज लॉन्ग इलनेस। नंबर 13, देयर, TH ER E, आर 30 रूम्स इन अवर स्कूल। नंबर 14, लीव्स हैव टाइनी पोर्स, PORES, ऑन देयर सरफेसिस। नंबर 15, CSEA, सी वाटर इज नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। अब है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज, H है, मेक सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन विद ईच पेयर टू ब्रिंग आउट द डिफरेंस इन मीनिंग। आपको अपने आप को सेंटेंसेस बनाने हैं ये डिफरेंस भी पता करने के लिए इन दोनों वर्ड्स के बीच में। कंसल्ट डिक्शनरी टू नो द मीनिंग ऑफ वर्ड्स इफ़ नीडेड, अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप डिक्शनरी से इन वर्ड्स के मीनिंग आप देख सकते हैं। सबसे पहले है नॉट, NOT, इसका मतलब होता है नहीं। डू नॉट ओपन द डोर, और दूसरा है नॉट, नॉट मतलब जैसे टाई में गांठ बांधी जाती है, नॉट लगाना, किसी भी चीज़ में गांठ बांधना उसे नॉट कहा जाता है। आई टाई अ नॉट इन द रोप। नंबर 2 है ब्रेक, BREAK, जिसका मतलब होता है
ब्रेक, जैसे गाड़ियों में ब्रेक होती है, साइकिल में भी ब्रेक होती है. द ब्रेक्स ऑफ माई बाइसिकल हैव बिकम वीक. फिर है ब्रेक, BREAK, इसका मतलब होता है टूट जाना. डू नॉट ब्रेक द ग्लासेस. नंबर 3 है राइट, RIGHT, मतलब सही. ही रेयरली यूजेज हिज राइट हैंड. फिर है राइट, WRITE, मतलब लिखना. चिल्ड्रन मस्ट राइट नीटली. नंबर 4 है टेल, TAIL, मतलब पूंछ. द डॉग इज वेविंग इट्स टेल. फिर है टेल, TALE, मतलब स्टोरी, कहानी. इट इज़ एन एडवेंचरस टेल. तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 18. ध्यान से नीटली अपनी बुक में फिल करेंगे, ये करेंगे ये वर्क और लर्न करेंगे. थैंक यू.